हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो आज आपके सामने हम सेंट्रल बफर कपलर जो होता है सीबीसी, जो कि इंडियन रेलवे में यूज होते हैं और सभी तरह के कोच वैगन्स में इसका यूज होता है, तो उसी का हम वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। और कितने प्रकार के जो कपलर होते हैं, बहुत प्रकार के कपलर्स होते हैं, बहुत तो नहीं होते हैं, लेकिन वैगन में अलग होते हैं, कोच में अलग होते हैं, जो BLC वैगन है उसमें अलग होते हैं, जो ईमू गाड़ी चलती है इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट उसमें अलग होते हैं, शाकू कपलर होते हैं। तो आपको सभी प्रकार के कपलर के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो सुनिए क्वेश्चन का जो नंबर है उसमें जाने से पहले हम लोग कपलर का एक ओवरऑल थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं। देखिए, जो LHB कोचेज जो होते हैं उसमें AARH टाइप का कपलर यूज होता है। आपको ऑप्शन में आपने सुना होगा एच टाइप टाइट लॉक CBC कपलर, ठीक है। तो आपको ऑप्शन में ये भी आ सकता है कि AAR, AARE या AARF, ठीक है, या शाकू, ठीक है, या रिजिड टाइप, इस तरह के आपके आ सकते हैं। तो LHB कपलर में जो LHB कोचेज में जो कपलर यूज होते हैं उसका नाम होता है AARH टाइप टाइट लॉक कपलर, ठीक है। इसी को एच टाइप टाइट लॉक CBC कपलर कहा जाता है। और जो वैगन में प्रयोग होता है वो होता है AARE या F टाइप कपलर, ठीक है। उसके बाद जो इलेक्ट्रिकल मल्टीपल ईमू गाड़ी जो चलती है उसमें शाकू कपलर यूज होता है, जिसको कि रिजिड टाइप का कपलर कहा जाता है, शाकू कपलर, ठीक है, SHAKU। और जो एक डेलनर कपलर होता है, डेलनर, ठीक है, डेलनर कपलर होता है जो कि LHB में ही प्रयोग होता है, ठीक है। इसकी जो कंपनी है MS डेलनर, स्वीडन की कंपनी है, तो वो भी हो गया, ठीक है। और जो AARH टाइप कपलर है, ये जो है दो जो कि LHB में यूज होते हैं, इसको बनाने वाली दो प्रकार की कंपनियां होती है, एक MS फेवली होती है और एक MS स्कॉट होती है, ठीक है। तो दोनों के बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो और चलिए, वैगन का हमने बता दिया, अब क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में पहला नंबर क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ CBC कपलर इज फिटेड इन LHB कोचेज। LHB कोचेज में किस प्रकार के CBC कपलर यूज होते हैं। तो CBC कपलर जो है एच टाइप के होते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर टू, इसको हमने हिंदी वर्जन भी बना दिया है ताकि बहुत लोगों को अंग्रेजी जिनको समझ में नहीं आती है वो हिंदी में भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर टू देखिए, द CBC फिटेड ऑन LHB कोचेज हैज़ फीचर डैश फीचर। किस फीचर पर जो LHB कोचेज का जो CBC है वो एंटी क्लाइंबिंग फीचर इसका होता है, एंटी क्लाइंबिंग, ठीक है। और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं, ये सारे क्वेश्चन जो है लगभग 50 क्वेश्चन को हमने, जो कि सिर्फ कपलर से ही रिलेटेड है, एकत्र किया है और इसको हिंदी भी इसको किया है ताकि हिंदी में जो परेशानी होती है वो सॉल्व हो जाए। और इंग्लिश वालों को तो इंग्लिश लिखा हुआ है ही, ठीक है। और सारे क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं या आने के चांसेस हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन को हमने कलेक्ट किया है। तो ये आपके लिए है, वीडियो को देखते रहिए और ध्यान से सुनते रहिए, सिर्फ सुनना है, देखना है और समझना है। और जिनके पास ये मटेरियल चला गया है उनको भी एक बार दो बार उसको आराम से पढ़ लेना है, आपका पूरा दिमाग में जो है माइंड में फिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, द टेंसाइल स्ट्रोक ऑफ CBC। CBC का जो टेंसाइल स्ट्रोक होता है 53 से 58 mm तक का होता है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर फोर क्या बोलता है, द मैक्सिमम बफिंग स्ट्रोक ऑफ CBC का जो मैक्सिमम बफिंग स्ट्रोक होता है वो कितना होता है। मैक्सिमम बफिंग स्ट्रोक देखिए, इसमें 85 mm कहीं आपको मिलेगा, कहीं 80 mm मिलेगा, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो है, अगर दोनों ऑप्शन में रहे, 80 और 85 दोनों रहे, तो आप 80 ही लेंगे, 85 नहीं लेंगे। यहाँ 85 लिया हुआ है, 80 ही होगा, ठीक है, इसको 80 ही लेके चलेंगे, 85 नहीं लेंगे। अगर ऑप्शन में से दोनों कोई एक है तो या तो 80 लेंगे या 85 लेंगे, अगर दोनों है तो 80 ही लेंगे, ठीक है, 80 यानी 80। क्वेश्चन नंबर फाइव, हॉरिजॉन्टल गैदरिंग रेंज ऑफ CBCs। CBC का हॉरिजॉन्टल जो गैदरिंग रेंज होता है क्षैतिज, वो कितना होता है, वो 110 mm होता है, ठीक है। इसी प्रकार आपको वर्टिकल पूछ सकता है, उसको भी हमने इसमें शामिल किया है, आपको आगे आएंगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट इज द मीन्स ऑफ एंटी क्लाइंबिंग। अब एंटी क्लाइंबिंग का मीनिंग क्या है, एंटी क्लाइंबिंग क्या है, अगर कोच किसी कारणवश दुर्घटना होती है तो उस दौरान क्या होगा कि एक कोच दूसरे कोच के ऊपर राइड नहीं करेगी, ठीक है। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्लाइंबिंग ऑफ
वन कोच टू अनदर कोच इन केस ऑफ एक्सीडेंट। क्वेश्चन नंबर सेवन, ऑयल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड ऑन, ऑयल जो है तेल जो कि ग्रीस टाइप का जो तेल है जो कि जहाँ हर अनेक प्रकार के जगह हैं जहाँ पर उसका यूज किया जाता है, जैसे व्हील हो गया, व्हील का जो एक्सल हो गया, व्हील का और जो व्हील का जो भी पार्ट्स है उस सब पे जो ऑयल प्रोवाइड कराया जाता है, तो ऑयल स्क्रू हो गया या पिन हो गया या बुशेस हो गया, तो वहाँ जो ऑयल प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि जो कपलर का हेड होता है और कपलर का जो नकल होता है और लॉक्स जो होते हैं सीबीसी का, उसमें ऑयल नहीं डालना चाहिए। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। इससे क्वेश्चन आपको सिर्फ यही पूछ सकता है कि ऑयल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, ऑयल जो है कहाँ प्रयोग करना सख्त मनाही है, तो कपलर हेड, नकल एंड लॉक ऑफ सीबीसी। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर एट, वर्टिकल गैदरिंग रेंज ऑफ सीबीसी। सीबीसी का जो वर्टिकल होता है, एक तो हॉरिजॉन्टल होता है था क्षैतिज, और एक वर्टिकल होता है 90 mm होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सपोर्टिंग डिवाइस। सपोर्टिंग डिवाइस का क्या पर्पस है, किस पर्पस से उसका यूज किया जाता है। सपोर्टिंग डिवाइस जो है सीबीसी कपलर का, जो सीबीसी जो कपलर्स होते हैं और उसका जो हेडस्टॉक होता है जो एलएचबी कोचेस का, उसके ऊपर जो है स्प्रिंग का एक बॉक्स होता है, उसमें स्प्रिंग होते हैं, उसी को सपोर्टिंग डिवाइस कहा जाता है। और इसको टॉर्क टाइट करने के लिए कितनी टॉर्क की आवश्यकता होती है, ये भी क्वेश्चन आता है और हमने इसमें उसको भी डाला है। तो इसमें आपको पूछ रहा है कि सपोर्टिंग डिवाइस का यूज किस लिए किया जाता है। ये क्या करता है, जो सीबीसी का जो वेट है उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, क्योंकि स्प्रिंग है, अगर ज़्यादा वेट पड़ेगी तो थोड़ा झुकेगा, फिर अपनी जगह आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो इक्वलाइजिंग, ये क्या करता है, इक्वलाइज करता है, मतलब वर्टिकल जो फोर्स होते हैं ऊपर से नीचे का, उसको बराबर करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर टेन देखिए, ड्यूरिंग कपलिंग ऑपरेशन द स्पीड ऑफ व्हीकल शुड बी, कपलिंग ऑपरेशन के दौरान जो गाड़ी होती है उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए। उसकी स्पीड 2 से 3 किलोमीटर के बीच में होनी चाहिए कपलिंग ऑपरेशन के दौरान। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ड्यूरिंग कपलिंग ऑपरेशन द कोचेस शुड बी, कोच को कैसा होना चाहिए कपलिंग ऑपरेशन, जब कपलिंग करेंगे कोच का तो क्या है, स्ट्रेट ट्रैक पर होना चाहिए, मतलब ट्रैक जो है बिल्कुल सीधी दिशा में होना चाहिए, तभी तो कपलिंग अच्छा होगा। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक बी। उसका क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, टू कोचेज विल डेफिनेटली कपल्ड इफ, दो कोच को है जो है कैसे जानेंगे कि दो कोच जो है आपस में कपल हो चुके हैं, उसका क्या है, जो रोटरी लॉक जो होता है उसका कम्प्लीटली डाउन होना चाहिए। ठीक है, और एक इन्वर्टेड यू शुड बी, इन्वर्टेड यू जो होता है इस होल से उस होल तक का जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसमें उंगली अगर आप या किसी प्रकार के पिन अगर या किसी प्रकार के कुछ इंस्ट्रूमेंट डालते हैं तो इस पार से उस पार जाना चाहिए, उसी को कहा जाता है कि कपलर जो है कपलिंग हो चुका है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द कपलर शुड बी चेक्ड बाय द हेल्प ऑफ गेज, कपलर को जो जब गेज से हम लोग चेक करेंगे, कपलर को चेक तो हमेशा करना है, लेकिन उसको जब हम लोग गेज से चेक करेंगे तो एक्चुअली में कपलर का चेक तो हमेशा करना है। ठीक है, मंथली भी चेक करना है, 3 मंथ पर भी चेक करना है, 9 मंथ पर भी चेक करना है, लेकिन गेज की सहायता से जब इसमें चेक करना है का बात है तो ये लिखा हुआ है द कपलर शुड बी चेक बाय द हेल्प ऑफ गेज, इसको एवरी 9 मंथ्स पर चेक करना है। ठीक है, एवरी 9 मंथ्स। उसका क्वेश्चन नंबर 14 है, जो गैप गेज टेस्ट जो है वो कब हम लोग यूज़ करते हैं, किस अवस्था में टेस्ट करते हैं, तो जब नकल जो है क्लोज पोजीशन में होगा तब जो है जो गैप गेज टेस्ट का व्यवहार किया जाता है। तो 14 का हो जाएगा ए। उसके बाद 15 देखिए,
ड्यूरिंग चेक ऑफ जॉ गैप द गेज शुड बी, जॉ गैप जब चेक करेंगे तो गेज को क्या होना चाहिए, मस्ट नॉट पास थ्रू द गैप, गैप से जो है पास नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि यदि इफ द जॉ गैप गेज पासिस थ्रू द गैप, अगर गैप से पास कर गया है, ठीक है, तो क्या, अगर जॉ गैप जो गेज है अगर पास हो गया तो क्या होगा, इसमें इसमें दो प्रकार के इसमें कंडीशन बनेंगे। एक तो है कि नकल इज नीड टू रिप्लेस, या तो नकल को रिप्लेस करना होगा, बदलना होगा, या लॉक असेंबली इज नीड टू रिप्लेस, ठीक है, या लॉक असेंबली को रिप्लेस करना होगा, मतलब बदलना होगा, दूसरा लगाना होगा। इस हिसाब से आंसर इसका हो जाएगा सी, ए एंड ए और बी, ठीक है, ए या बी। क्वेश्चन नंबर 17, गेजिंग ऑफ सीबीसी इज डन व्हेन, ये गेजिंग जो है सीबीसी का हो गया कब, ऐसा माना जाएगा, ठीक है, तो ये तब माना जाएगा जब नकल जो है उसका नकल इनक्लोज पोजीशन में जब नकल होगा तब उसको किया जाएगा, ठीक है, तो इसका 17 का हो जाएगा ए। ये सारे क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आते ही रहते हैं, तो सारे क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ड्यूरिंग चेक ऑफ कंटोर ऑफ नकल द कंटोर गेज मस्ट, जो कंटोर का जो चेक करने का, जो कंटोर चेक के दौरान जो होता है वो कैसे रखना चाहिए, कंटोर गेज को कैसे रखना चाहिए, ठीक है, और क्या होगा उसके बाद, ठीक है, तो ये क्या होगा, नकल से वो पास हो जाएगा, ठीक है, कंटोर गेज है, ठीक है, वो जॉ गैप गेज टेस्ट था, ठीक है, ये कंटोर गेज है, तो कंटोर गेज जब चेक करेंगे तो कंटोर का चेक के दौरान जो है कंटोर गेज को पास हो जाना चाहिए, नकल से पास थ्रू द नकल, ठीक है, इसका हो जाएगा बी। उसका क्वेश्चन नंबर 19, द मैक्सिमम हाइट ऑफ सपोर्टिंग डिवाइस शुड बी, सपोर्टिंग डिवाइस जो होता है उसका मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, मैक्सिमम हाइट वो 187.5 mm होता है, ठीक है, सपोर्टिंग डिवाइस की अधिकतम ऊंचाई होनी चाहिए 187.5, द मैक्सिमम हाइट ऑफ सपोर्टिंग डिवाइस इज 187.5। क्वेश्चन नंबर 20, टू कीप द कपलर इन लेवल, ठीक है, द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कपलर एंड लोअर एड्स ऑफ सॉकेट शुड बी, कपलर को जब लेवल में रखेंगे तो, ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कपलर और जो लोअर एड्स ऑफ सॉकेट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो 260 mm होगा, ठीक है, 260 mm। उसका क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, द मैक्सिमम टॉर्क इज रिक्वायर्ड फॉर सपोर्टिंग डिवाइस वोल्टेज, सपोर्टिंग डिवाइस के बोल्ट को कसने के लिए एकदम कितने टॉर्क की आवश्यकता होती है, 200 Nm टॉर्क की आवश्यकता होती है, वही सपोर्टिंग डिवाइस, ठीक है, जो सीबीसी को क्या करता है, उसके वेट को इक्वलाइज करता है, वही सपोर्टिंग डिवाइस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, ये 21 क्वेश्चन का नंबर देना भूल गया मैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, बेस नहीं नहीं, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21-2 है, इसका हिंदी वाला है, ये है क्वेश्चन नंबर 23, मैक्सिमम थिकनेस ऑफ सीम रिक्वायर्ड फॉर इंक्रीज ऑफ बफर हाइट, बफर हाइट को मेंटेन करने के लिए सीम का प्रयोग होता है, उसका मैक्सिमम जो है थिकनेस कितनी होती है, एक्चुअली होता कितना है ये नहीं देखिए, जो कोई कोई 5 mm का भी यूज होता है, ठीक है, लेकिन आपको एग्ज़ाम में 3 mm ही लगाना है, इसका आंसर 3 mm ही है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, वीकेस्ट लिंक ऑफ एच टाइप टाइट लॉक सीबीसी कपलर, सीबीसी कपलर का जो वीकेस्ट लिंक होता है, ये क्वेश्चन बार बार आता है, ठीक है, इसका आंसर होता है नकल, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, इजी क्वेश्चन से शुरू होगा और डिफिकल्ट की तरफ जाएगा, अब डिफिकल्ट आना शुरू हो गया है, ठीक है, देखिए, हॉलिंग कैपेसिटी ऑफ एच टाइप सीबीसी, सीबीसी का जो एच टाइप का जो सीबीसी है उसकी हॉलिंग कैपेसिटी, मतलब जो खींचने की क्षमता कितनी है, तो 9000 टन तक को इसका भार खींच सकता है, 9000 टन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, विच टाइप ऑफ कपलर आर यूज इन लेटेस्ट कोचिंग स्टॉक, जो लेटेस्ट कोचिंग स्टॉक में किस प्रकार के कपलर का यूज हो रहा है, तो हमने शुरू में ही बोल दिया था कि AARH टाइप कपलर जो है उसका यूज हो रहा है, AARE या F बोले तो वैगन में यूज होता है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए।
और हाई टेंसाइल, ठीक है, हाई टेंसाइल एच टाइप टाइट लॉक सीबीसी कपलर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कपलर इज डिजाइन टू टेक बोथ। कपलर को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि क्या करता है वो ड्रॉ यानी खींचने और बफिंग फोर्स दोनों को मेंटेन करता है, ठीक है, ड्रॉ एंड बफिंग फोर्स दोनों को। तो 27 का हो जाएगा ए। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आपके दिमाग में फिट होने चाहिए। सी बी सी इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ हेड स्टॉक, द कोच इज प्रोवाइडेड, ठीक है, सी बी सी इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द हेड स्टॉक, द कोच इज प्रोवाइडेड विदाउट साइड बफर, ठीक है, बिना साइड बफर का, जो साइड बफर जो होता था उसमें सेंटर बफर जो होता है था उस तरह का कपलर उसमें यूज नहीं होता था, उसमें स्क्रू कपलरिंग का यूज होता था, जो कि ICF कोच में आपने देखा होगा कि इस प्रकार के दो साइड बफर यूज होते थे, ठीक है, इस तरह का कोच होता था, इसमें दो साइड बफर होते थे, लेकिन इसमें क्या है विदाउट साइड बफर उसमें यूज करने की आवश्यकता नहीं है। तो 28 का हो जाएगा ए। 29 देखिए, सेंटर बफर कपलर कैपेसिटी, जो सीबीसी कपलर है उसकी क्षमता 200 टन है, ठीक है, 200 टन, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30, एंटी क्लाइंबिंग फीचर इन सीबीसी टू प्रिवेंट, सीबीसी में एंटी क्लाइंबिंग फीचर है, उससे क्या हम लोगों को सेव होता है, क्या उसका फीचर है, क्या उससे फायदा है, क्या कहता है इसमें क्या है, एक्सेस डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी ड्यूरिंग कोलिजन या एक्सीडेंट के दौरान, क्या करता है दुर्घटना के जाल में अत्यधिक नुकसान से क्या करता है बचाता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एच टाइप टाइट लॉक सीबीसी कपलर कपलर हेड आर, मेन कंपोनेंट्स उसका क्या है, इसमें जो है कूट दिया है, कपलर बॉडी विथ शैंक नकल रोटरी लॉक लिफ्ट लीवर स्टेबलाइजिंग स्प्रिंग एलिमेंट्स, क्या है इसका आंसर हो जाएगा ए बी सी डी, यानी चारों जो है क्या है इंपॉर्टेंट है, चारों जो पार्ट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, इसका हो जाएगा ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32, टेल टेल या इन्वर्टेड यू जो बोलते हैं उसको टेल टेल भी कहा जाता है, मैकेनिज्म प्रोवाइड ऑन द सी बी सी हेड एट द बॉटम ऑफ द लॉक होल हेल्प्स टू इंश्योर, जो टेल टेल है मैकेनिज्म प्रदान करता है सी बी सी में लॉक होल की सहायता को इंश्योर होने के लिए, ठीक है। तो क्या करते हैं परफेक्ट लॉकिंग ऑफ मैटिंग सी बी सी लोगों को अच्छी तरह से हो गई है, इसको ये टेल टेल यू बताता है, हमने आपको पहले भी इससे पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें बता दिया था। तो 32 का हो जाएगा ए। 33 देखिए, इंश्योर गैप बिटवीन रोटरी लीवर एंड ऑपरेटिंग लीवर हुक, रोटरी लीवर और ऑपरेटरी हुक के बीच जो है गैप कितना होता है उसको कितना 3 to 8 mm, 3 to 8 mm। क्वेश्चन नंबर 33 हो गए। 34, द कपलर सैंक वेन टू कपलर आर कपल्ड टूगेदर शुड नॉट बी मोर देन, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3.5 mm इन न्यू कंडीशन, ठीक है, जब दो कपलर को एक साथ जोड़ा जाता है तो कंट्रोल स्लैक कितना से अधिक नहीं होना चाहिए 3.5 mm इन न्यू कंडीशन में, इसलिए आपको हिंदी में लिख दिया, जिनको समझ में नहीं आए वो हिंदी देख सकते हैं, अदरवाइज इंग्लिश इज ऑल्सो रिटन। डिग्री ऑफ फ्रीडम, सी बी सी सैंक कैन टिल्ट अबाउट योक पिन सेंटर पिन हॉरिजॉन्टल प्लेन, दिस हेल्प्स टू व्हीकल व्हेन नेगोशिएट कर्व लेटरल फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब स्वतंत्र डिग्री जो पूछ रहा है, डिग्री सी बी सी सैंक जो झुकता है योक पिन छाती से या गाड़ी को नेगोशिएट कर्व प्रदान करती है 18 डिग्री आइदर साइड ऑफ कपल एक्सिस, ठीक है, ये क्वेश्चन को भी आप याद कर लीजिएगा, ये अब डिफिकल्ट की तरफ जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36, वर्टिकल प्लेन, दिस वर्टिकल प्लेन के बारे में है, दिस हेल्प द कपलर टू राइज एंड फॉल फ्रीली वर्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी ड्यूरिंग ब्रेक एप्लीकेशन, वो कितना होता है, होता है 60 डिग्री आइदर साइड ऑफ द एक्सिस, इसका हो जाएगा 36 का ए। 37 देखिए, ड्राफ्ट गियर एंड योक पिन सपोर्ट प्लेट आर फास्टनेड विथ
विथ नाइलोन एम 16 बोल्ट एंड नट, ठीक है। जो ड्राफ्ट गियर और योक पिन सपोर्ट प्लेट को किसके साथ बांधा जाता है, किसके साथ लगाया जाता है, तो नाइलोन एम 16 बोल्ट एंड नट के साथ। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, सीबीसी ऑपरेटिंग रोड इज प्रोवाइडेड विथ लॉकिंग अरेंजमेंट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम, सीबीसी ऑपरेटिंग रोड को किससे बचाने के लिए लॉकिंग व्यवस्था के साथ प्रदान किया जाता है, अनऑथोराइज्ड यूजेज ऑफ द अदर पीपल, ठीक है। कोई आदमी, अन्य आदमी जो है इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करे, इसलिए उसमें लॉक की व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो 38 का हो जाएगा ए। 39 देखिए, सीबीसी सैंक सपोर्टिंग डिवाइस आर प्रोवाइडेड विद द प्री लोडेड ओपन कोयल स्प्रिंग टू डैम्पन द अनयूजुअल नॉइस डेवलप बाय द सीबीसी सैंक ड्यूरिंग, जो सीबीसी सपोर्टिंग डिवाइस जो है ओपन कोयल स्प्रिंग के साथ प्रदान किया जाता है ताकि सीबीसी की सैंक द्वारा विकसित सामान्य शोर में कमी लाया जा सके, इसके दौरान ब्रेक एप्लीकेशन के दौरान, ठीक है। तो 39 का हो जाएगा ए। 40 देखिए, प्री लोडेड स्प्रिंग सपोर्टिंग डिवाइस, ठीक है, प्री लोडेड फैमिली हाइट इतना, स्कॉट हाइट इतना, आइकॉन इतना, तो क्या है इसमें, इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3, ठीक है, तीनों इसका सही है, ठीक है, इसका हाइट पूछ रहा है तो तीनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 40 का ए। 41 देखिए, बैकलेस कंपेंसेशन डिवाइस असेंबली कंसिस्ट ऑफ, बैकलेस कंपेंसेशन डिवाइस असेंबली में क्या शामिल है, स्टेबलाइजिंग स्प्रिंग एलिमेंट्स एंड यूएसडी स्टेबलाइजिंग लिंकेज, ठीक है। तो 41 का हो जाएगा ए। 42 देखिए, बैकलेस कंपेंसेशन डिवाइस असेंबली असेंबल्ड किसके, कैसे असेंबल किया जाता है, ठीक है, तो एट द टेल एंड एट द टेल एंड ऑफ द कपलर हेड, ठीक है, इसका 42 का ए। उसका 43, बैकलेस कंपेंसेशन डिवाइस असेंबल टेक अप द क्लियरेंस बिटवीन, बैकलेस जो कंपेंसेशन डिवाइस असेंबल के बीच क्लियरेंस कितनी होती है, टेक पिन एंड द टेल एंड ऑफ द कपलर हेड होल, ठीक है, इसका 43 का हो गया ए। 44 देखिए, व्हाट टाइप ऑफ लुब्रिकेंट आर टू बी अप्लाइड ऑन कपलर हेड और कपलर हेड फिटिंग, दिस लुब्रिकेंट मे बी अप्लाइड यूजिंग वाटर एल्कोहल और अदर नॉन पेट्रोल बेस्ड कैरियर, ठीक है। इसमें जो लुब्रिकेंट्स होते हैं वो ओनली ड्राई लुब्रिकेंट्स ऑफ वाटर एंड अदर नॉन पेट्रोलियम बेस्ड कैरियर शैल बी अप्लाइड, इसमें किया जाता है, ठीक है। तो 44 का हो जाएगा ए। 45 देखिए, वियर प्लेट थिकनेस इज, वियर प्लेट्स की थिकनेस होती है मैक्सिमम 5 mm एंड मिनिमम 2.5 mm, ठीक है। उसके बाद ये जो सीबीसी संबंधित अगर वियर प्लेट का आया तो इसका आंसर ये लगाएंगे, वियर प्लेट किसका बना होता है, किसका बना होता है, वियर प्लेट किसका बना होता है, तो वियर प्लेट जो है किसका बना होता है, वियर प्लेट इज मेड ऑफ, तो वियर प्लेट जो है कास्ट आयरन का बना होता है, ठीक है, इसका कास्ट आयरन लगाएंगे, कास्ट आयरन, ठीक है। 47 का देखिए, कपलर मटेरियल, कपलर का मटेरियल जो है क्या होता है, कपलर का मटेरियल हाई टेंसाइल ग्रेड ई स्टील एज पर AAR स्पेसिफिकेशन M201Q&T, ठीक है। तो 47 का हो जाएगा ए। 48 देखिए, टोटल वेट ऑफ कपलर हेड एंड ड्राफ्ट गियर इज अबाउट, कपलर हेड और ड्राफ्ट गियर के बीच कितने जो वेट, टोटल वेट उसकी कितनी होती है, ड्राफ्ट गियर 170 kg, कपलर बॉडी 220 kg, ठीक है। तो इसका जो फोर 490 kg, तो कुल जो इसका वजन होता है, टोटल पूछ रहा है, टोटल जो इसका वजन होता है वो 490 को जो होता है, जिसमें ड्राफ्ट गियर भी होते हैं और कपलर बॉडी भी होते हैं और भी इसमें इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इन दोनों को मिलाकर तो 490 kg नहीं होता, लेकिन टोटल 490 kg होता है जिसमें ये दोनों भी शामिल हैं, ठीक है। ऐसा नहीं सोचिएगा कि इन दोनों को मिलाकर इसका आंसर ये लिखा है, ऐसा नहीं है, इन दोनों के अलावे और भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उन सबको मिलाकर 490 kg का वजन होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको कपलर का से रिलेटेड जो भी है क्वेश्चन हमने आपको बता दिया है।
और भी आपके मन में कुछ भी डाउट हो, जहाँ कपलर से संबंधित कुछ क्वेश्चन हो तो आप हमको भेज सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं। हालांकि जितने भी क्वेश्चन आपको बताया गया है इसके बाहर तो एग्ज़ाम में आने के चांसेस नहीं हैं। जो भी इम्पोर्टेंट थे, जितने भी डिफिकल्ट या ईजी थे, सबको मैंने इसमें कलेक्ट कर लिया है। और बाकी कुछ इसमें से छूटे हुए अगर मिलते हैं तो मेरे किसी न किसी PDF में आपको मिल जाएंगे, किसी न किसी नोट्स में मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप तैयारी करते रहिए, अध्ययन करते रहिए। और नए लोग जुड़ना चाहते हैं तो इसी यही मेरा नंबर है। हमारा टेस्ट सीरीज भी चलता है, टेस्ट सीरीज में जो जो नोट्स परचेज कर चुके हैं वो टेस्ट ज़रूर दीजिए। बहुत सारे लोग टेस्ट नहीं देते हैं, टेस्ट ज़रूर दीजिए। टेस्ट में आपको मैं हर संडे को 110 क्वेश्चन का एकदम एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन आपको देता हूँ। और वो अगर आप देते हैं, 25 टेस्ट अब तक हो चुके हैं, अगर आप सारे टेस्ट जिन्होंने दिया होगा तो 2500 क्वेश्चन और 2500 क्वेश्चन, 2750 क्वेश्चन का उनको एकदम प्योर क्वेश्चन का तैयारी हो चुके होगी, जो कि रेलवे में कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो आपको इतने क्वेश्चन अगर रट लेते हैं तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाएंगे, ठीक है। और बाकी मटेरियल जो मैं आपको बना बना के देता हूँ या जो भी पहले से दे चुका हूँ वो भी बहुत काम के हैं। तो आप पूरी तरह से तैयारी कीजिए, कोई बाहरी क्वेश्चन नहीं आएगा। बिल्कुल मैं विश्वास दिलाता हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चन जो हम आपको देते हैं वहीं से आएंगे, सिर्फ आपको पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस तरह से तैयारी करते रहिए। अगर कोई नया लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ये व्हाट्सअप नंबर है, और इसी नंबर से आप गूगल पे फ़ोनपे करके 2000 रुपये इसके लिए आपको पे करना होता है। इसमें आपको टेस्ट सीरीज वगैरह जो भी है सब कुछ हम आपको उसी में प्रोवाइड कराते हैं, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।